हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी सही होंगे, आप कुशल मंगल होंगे अपने घरों पर और स्वस्थ होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि सरफेस टेंशन क्या होता है, कि कोई भी जो लिक्विड होता है वो उसमें सरफेस टेंशन का क्या रोल होता है। तो हम इसके बारे में इस वीडियो में सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और कुछ एक दो फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कोहेसिव और अधेसिव फोर्सेस। अभी थोड़ी देर के बाद हमारा क्लियर हो जाएगा कि ये फोर्सेस होते क्या हैं। तो पहले देखते हैं सरफेस टेंशन क्या होता है। देखिए, कोई भी जब कोई भी एक लिक्विड किसी भी कंटेनर में होता है, किसी भी स्टेट में होता है, तो उसका जो फ्री स्पेस होता है उसके ऊपर हमेशा एक सरफेस टेंशन क्रिएट होता है, सरफेस टेंशन रहता है। अब ये सरफेस टेंशन है क्या, क्या होता है, और ये फ्री स्पेस, फ्री जो फ्री सरफेस है ये क्या चीज़ है। मान लेते हैं कि ये कोई ग्लास है, ग्लास ऑफ वाटर है, और इसका तो ये इसके साथ इस वाटर के सॉरी इस ग्लास के साथ ये जो वाटर है इस सरफेस से अटैच्ड है, ये पूरा सरफेस, और ये जो इसका ऊपर का जो सरफेस है ये आप लोगों का कोई भी कंटेनर है, इसमें कोई भी मैं लिक्विड ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये मैं ऐसे इसका, ये इसका सरफेस है, ये जो इसका ऊपर का जो सरफेस है जहाँ पर हमें पानी दिखता है, ठीक है, ये आई होप के ऐसी ड्राइंग्स हमने बहुत बनाई होंगी बचपन में, ठीक है। ये जो ऊपर का जो सरफेस है जहाँ पर आपको पानी दिख रहा है ये ग्लास के साथ अटैच नहीं है, और ये वैसे किसी भी सरफेस के साथ अटैच नहीं है, तो इस सरफेस पर हमेशा एक फोर्स लगा होता है जिसके कारण इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से हमेशा क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, हमेशा खींच के रखते हैं। तो उसके कारण एक टेंशन क्रिएट रहता है इसमें, इस पूरे सरफेस पर, उसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। अभी समझना है, थोड़ा सा टिपिकल कॉन्सेप्ट है, तो मतलब टिपिकल नहीं है, नॉर्मली समझ में आता है, पर एक बार अगर समझ में आया तो इजीली हम समझ जाते हैं कि ये है क्या चीज़, कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो, इसके अंदर जितना भी लिक्विड है ना वो ऐसे कुछ फिल्डअप होगा, ये जितना भी लिक्विड होगा इसके यहाँ पर ये सारा का सारा इस ग्लास के साथ अटैच्ड है, लेकिन ये नहीं है। तो इसके सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, हमेशा क्या लगाते हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के रखते हैं एक दूसरे पर। और उसके कारण क्या होता है, हमेशा इसके सरफेस पर क्या होगा, मान लेते हैं इसका सरफेस है ऐसे करके, ये जो फोर्सेस, ये जो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं इसके कारण इन पर हमेशा एक फोर्स जो लग रहा है उसके कारण इस सरफेस पे एक टेंशन क्रिएट होता है। अब टेंशन वर्ड को समझें क्या चीज़ है। टेंशन क्या होता है, नॉर्मली आप मान एक रस्सी लीजिए, ठीक है, उसमें आप कोई भी एक, ये ऊपर से हमने एक धागा बांधा, ठीक है, और इसमें आप इसको कोई लटका दीजिए, इसके नीचे कोई फोर्स लटका दीजिए, कोई भी मास का ऑब्जेक्ट लटका दीजिए, तो इसमें एक क्या हो जाएगा, हम बोलते हैं कि इस धागे में एक टेंशन क्रिएट हो गई, यानी इस धागे की एक लिमिटेशंस होगी जब तक ये इसको क्या करके रखेगा, अटैच करके रखेगा। अदरवाइज अगर आप वो फोर्स बढ़ाते रहेंगे इसमें टेंशन बढ़ती रहेगी और एक टाइम आएगा वो टूट जाएगा। तो इसी तरह से इस सरफेस में भी क्या होता है, एक जब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, ये मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट करेगा, वो मॉलिक्यूल उसको अट्रैक्ट करेगा, तो इस मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक टेंशन क्रिएट हो जाती है। तो वहीं से हमने इसको रिलेट करा हुआ है, इसलिए इसका वर्ड, इसका नाम भी क्या पड़ा, सरफेस टेंशन पड़ा हुआ है। ये सिर्फ समझाने का कॉन्सेप्ट है, अदरवाइज़ वो जो रस्सी में जो टेंशन होती है और यहाँ पर जो टेंशन है, इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये इधर से भी खींच रहा है और ये इधर से भी इस पर फोर्स लग रहा है, ठीक। तो हम मान लेते हैं, मान ले सरफेस है और इस पर मान लेते हैं ये कोई, यहाँ पर एक लाइन मान लेते हैं इमेजिनरी, ये कोई इमेजिनरी लाइन मान लेते हैं और इस पर कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे इनको इस तरह से फोर्स लग रहा होगा, इस पर भी इधर से फोर्स लग रहा होगा हर एक मॉलिक्यूल पर,
और इस पर भी अलग से फोर्स लग रहा होगा, ऐसे करके। इधर के जो पार्टिकल होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, वो इन मॉलिक्यूल्स को इधर खींच रहे होंगे, और इधर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इन मॉलिक्यूल्स को इधर खींच रहे होंगे। तो इनमें ना टेंशन क्रिएट हो जाती है इन मॉलिक्यूल्स में, तो उसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। और इस सरफेस के सारे के मॉलिक्यूल, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, वो क्या होंगे, इसी ऐसा ही फोर्स क्या कर रहे होंगे, हमेशा एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, उसी फोर्स को बोलते हैं सरफेस टेंशन, क्योंकि ये सरफेस पर लग रहा है। ठीक है, सरफेस के मॉलिक्यूल्स पे लगेगा, फ्री सरफेस। फ्री सरफेस कौन सा सरफेस होगा, जो किसी और सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है, जैसे कि तालाब हो गया, तालाब का जो ये पूरा हिस्सा हो गया वो मड के साथ, मिट्टी के साथ कनेक्टेड है, लेकिन जो ऊपर का जो सरफेस है, सतह है उसकी, जिसको सतह बोलते हैं, वो किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। हालांकि एयर मॉलिक्यूल्स हैं, बट वो इतना रोल प्ले नहीं करते हैं। तो इस सरफेस पर जो इन मॉलिक्यूल्स में फोर्स लग रहा है, इसके कारण में क्या होता है, टेंशन क्रिएट होती है, तो उसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। अब ये होगा कितना, ठीक है, तो पढ़ लेते हैं यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है। सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, कि कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको, फोर्स पर यूनिट लेंथ इन द प्लेन ऑफ द लिक्विड सरफेस, इन द प्लेन ऑफ द लिक्विड सरफेस। ये जो प्लेन है, ये जो लिक्विड सरफेस है, इसके जो प्लेन पर ये जो बना हुआ है, इस पर जो हमने फोर्स लग रहा है, पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लगेगा, एक्टिंग एट राइट एंगल्स ऑन द आइदर साइड ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन इन दैट सरफेस। ये हमने एक इमेजिनरी लाइन खींची थी, इसके ऊपर हमने कुछ मॉलिक्यूल्स माने हुए हैं, कंसिडर करे हुए हैं, और इन पर ये फोर्स लग रहा है। मान लो ये सरफेस है मेरा, तो इस पर ये जो इमेजिनरी लाइन है, इस पर ऐसे टेंजेंशली ये फोर्स लगेगा। सरफेस टेंशन हमेशा टेंजेंशली लगता है, ये आप ध्यान रखेंगे। टेंजेंशली का क्या मीनिंग है, मान लो कोई ये कोई कर्व है, तो इसको सिर्फ टच करके जाए, इसको बोलते हैं टेंजेंट। इस कर्व को कोई एक लाइन जो टच करके जाए, सिर्फ टच करके जाए, इसको बोल देंगे टेंजेंट। तो ये सिर्फ ये फोर्स हमेशा टेंजेंट नहीं लगेगा, ऐसे करके, ऐसे नहीं लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा, ऐसे परपेंडिकुलर नहीं लगेगा, सिर्फ सरफेस पर ऐसे लगेगा, टेंजेंशली पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द सरफेस। ठीक, नाउ तो ये जो फोर्स लगेगा, अब मान लेते हैं ये एक लाइन खींची हमने, तो इस पर फोर्स लग रहा है, ये इक्वल फोर्स लग रहा है, एफ इक्वल ही फोर्स लग रहा होगा, ये एफ क्यों लग रहा होगा, इधर भी उतना ही उधर भी उतना ही क्यों लग रहा होगा। अगर ये सारे के सारे पार्टिकल यहीं पर हैं तो इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में, तो इन पर फोर्स लग रहा होगा ऐसे, इस पर ऐसे लग रहा, इस पर इधर से ऐसे फोर्स लग रहा होगा। जो इसके बगल वाला जो मॉलिक्यूल होगा इधर, वो इस पर इधर को फोर्स लगा रहा, वो अपनी तरफ से खींचने की कोशिश कर रहा, और इसको इधर खींचने की कोशिश कर रहा, लेकिन ये वहीं पर होगा। अगर ये यहीं पर रुका हुआ है, तो यानी ये जो फोर्स दोनों होंगे इक्वल होगी, इक्वल फोर्सेस लग रहे होंगे। अगर ये रुका हुआ नहीं होता, तो इसका मीनिंग है ये फोर्स इस पर बैलेंस नहीं है, तो वो जिस साइड ज़्यादा फोर्स होगा उस साइड वो चलना स्टार्ट कर देगा। बट हम मान रहे हैं कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, तो इस पर फोर्स लग रहा है बिल्कुल इक्वल। तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, सरफेस टेंशन को हमने कैसे डिफाइन करा, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ इन द प्लेन ऑफ द लिक्विड सरफेस। ये जो लिक्विड है, इसके सरफेस पे जो पूरा का पूरा जो फोर्स लग रहा है उसको बोलेंगे पर यूनिट, सॉरी, जो फोर्स लग रहा है पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, उसको बोलेंगे सरफेस टेंशन। इसका ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, अदरवाइज इसका जो मैंने आपको कंसेप्चुअल कंसेप्ट बताया वो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसको डिनोट करेंगे हम टी से, सरफेस टेंशन को डिनोट करेंगे टी से, एफ अपॉन एल क्या हो गया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, दिस इज द सरफेस टेंशन, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। इसकी डायमेंशन क्या होगी, फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू, और फिर एल से डिवाइड करेंगे तो एम टी माइनस टू बन गया। ऐसा यूनिट होगी इसकी न्यूटन, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और लेंथ की यूनिट होती है पर मीटर, तो ये इसकी ऐसा यूनिट होगी। आई होप कि आपको समझ में। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो सरफेस टेंशन है ये डिपेंड किस पे करता है, ठीक है, फिर एक क्वेश्चन हम ये पढ़ेंगे कि ये लगता क्यों है। ठीक, तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा, सरफेस टेंशन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड एज वेल एज द मीडियम ऑन द अदर साइड ऑफ द सरफेस, इट डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर एंड बिकम जीरो एट क्रिटिकल टेम्परेचर। जो आप लोगों का
सरफेस टेंशन है वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर, कि इस लिक्विड का टेम्परेचर कितना है, इस लिक्विड का टेम्परेचर कितना है। अगर इसका टेम्परेचर कम है तो फिर कितना सरफेस टेंशन लगेगा, कम होगा, बढ़ेगा, कैसे होगा। और अगर इसका ज़्यादा है तो फिर क्या होगा। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एज वेल एज, पहले हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। इट डिक्रीजेस विद राइजिंग टेम्प, जैसे जैसे आप लोगों का टेम्परेचर राइज करेगा किसी भी लिक्विड का, जैसे मान लो पानी है, अगर आप उसको गर्म कर रहे हैं, या मान लो शहद है, अगर आप उसको गर्म कर रहे हैं, तो उसका सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसी भी लिक्विड का जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड वो जीरो, और कम होते होते वो जीरो हो जाएगा। अब कोई भी सरफेस टेंशन है, कुछ वैल्यू आ रही है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वो कम हो रहा है, तो एक टाइम पर क्या हो जाएगा, वो जीरो बन जाएगा। जिस टेम्परेचर पर वो जीरो होगा वो बोलेंगे उस लिक्विड का क्रिटिकल टेम्परेचर, उसको बोलेंगे उस लिक्विड का क्रिटिकल टेम्परेचर। अब ये तो हो गया टेम्परेचर की बात। एक लाइन और लिखे, एज वेल एज ऑन द अदर मीडियम ऑन द अदर साइड, कि ये जो है आप लोगों का, इसके अदर साइड दूसरा मीडियम क्या है, इस पे भी डिपेंड करता है सरफेस टेंशन। अब हमने फ्री स्पेस लिया, फ्री स्पेस क्यों माना हुआ यहाँ पर, हम बोल रहे हैं ना क्योंकि इसके ऊपर एयर है, लेकिन मान लो अगर एयर ना हो, कुछ और हो, मान लो एक लिक्विड है, एक बूंद है, किसकी, पानी की, और एक दूसरी ड्रॉप है आप लोगों की शहद की। अगर इन दोनों को मिलाने की कोशिश करें तो इनके बीच का जो, जहाँ पर ये मिलेंगी यहाँ पर जो ये जो आप लोगों का इस वाटर की ड्रॉप के लिए, अगर हम सरफेस टेंशन कैलकुलेट करें इस साइड, तो यहाँ पर तो क्या आ गया, शहद ना, तो इसके कारण इसका सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, शहद आ गया, यानी हनी आ गया, इसका सरफेस टेंशन अलग है, तो इन दोनों के बीच में कुछ फोर्सेस लगेंगे। ये क्यों चेंज होगा इसके बारे में बस अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ये भी हम देखेंगे। बस आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि लिक्विड के दूसरी साइड कौन सा मीडियम है, उस पर भी सरफेस टेंशन डिपेंड करता है। अब सरफेस टेंशन, तीसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सरफेस टेंशन होता क्यों है। देखो कोई भी जो लिक्विड है वो हमेशा इस तरह से रहना पसंद करता है कि वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करे। क्या बोलता हूँ मैं, कि वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर है। कोई भी लिक्विड होगा वो हमेशा इस तरह से रहना पसंद करेगा कि वो हमेशा मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करे। ये टेंडेंसी होती है किसी भी लिक्विड की। तो रीज़न फॉर सरफेस टेंशन, फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड हैज़ द टेंडेंसी, जो कोई भी लिक्विड है उसका जो फ्री सरफेस होता है उसकी एक टेंडेंसी होती है टू कॉन्ट्रैक्ट टू अ मिनिमम पॉसिबल एरिया। जो भी उसके पास पॉसिबिलिटी है, जो भी पॉसिबिलिटी है, वो उसके अकॉर्डिंगली क्या करें, मिनिमम पॉसिबल एरिया एक्वायर करे, तो वो क्या करेगा, इसलिए उसके ऊपर सरफेस टेंशन बनी होती है। अब इस चीज़ को थोड़ा समझेंगे कैसे। जो आप लोगों की रेन ड्रॉप होती है वो हमेशा स्फेरिकल होती है। कैसी होती है, स्फेरिकल। या फिर आप लोग देख लीजिए जो साबुन का पानी होता है उसमें, जब आप, या सर्फ का पानी होता है, या फिर हम सर्फ का जो पानी होता है उसमें क्या होते हैं, जो बबल्स उठते हैं, बबल्स, वो जो बबल्स होते हैं वो हमेशा स्फेरिकली क्यों होते हैं। एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है ना, स्फेरिकली क्यों हो रहे हैं वो। आप लोगों के वैडल हो सकते हैं, आप लोगों के वो कॉनिकल हो सकते हैं, लेकिन वो हमेशा स्फेरिकली क्यों है, क्योंकि किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए, किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए जो आपका जो मिनिमम सरफेस एरिया होगा वो किसका होगा, एक स्फेयर का होगा। किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए जो मिनिमम सरफेस एरिया आप निकालेंगे वो हमेशा किसका होगा, एक स्फेयर का होगा। क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, मान लो इसमें एक लीटर पानी है, मान लो अब इस एक लीटर पानी को मैं एक बोतल में डालूं, और वो बोतल है मेरी क्यूबाइडल, यानी ऐसी बोतल है वो मेरी, ठीक। और इसी एक लीटर पानी को मैं एक ऐसी बॉल के अंदर डालूं, एक ऐसे बर्तन के अंदर डालूं जो बिल्कुल क्या, गोल है, स्फेरिकल है। तो जब आप दोनों पूरे फिलअप होंगे एक एक लीटर पानी से, ठीक है, एक एक लीटर पानी से दोनों फिलअप होंगे, जब आप इस क्यूबॉइड का
एरिया निकालेंगे, पूरा सरफेस एरिया निकालेंगे और उस स्फेयर का निकालेंगे, तो स्फेयर का एरिया कम मिलेगा आपको एज कम्पेयर टू दिस क्यूबॉइड। ये आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए ये प्रूवन है, किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए जो आप लोगों का मिनिमम सरफेस एरिया होता है वो हमेशा एक स्फेरिकल चीज़ का होता है, ठीक है। अगर आप कोई भी गिवन वॉल्यूम अगर आप उसको स्फेरिकली रखना चाहें तो आपको वो सबसे कम क्या करेगी, वो वॉल्यूम सॉरी सरफेस एरिया गेन करेगी, ठीक। तो इसीलिए अब कोई भी गिवन वॉल्यूम है, मान लो ये रेन की एक ड्रॉप है, वो वॉल्यूम तो उतना ही है, तो वो हमेशा कैसा रहना पसंद करेगी, कैसा स्फेरिकल बनना पसंद करेगी, क्योंकि एक लिक्विड की हमेशा टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा कैसा रहे, कम से कम सरफेस एरिया एक्वायर करे, कम से कम जगह घेरे वो, ठीक। तो ये होता आप लोगों का सरफेस एरिया। और एक चीज़ और है जो मैंने यहाँ लिखी हुई है, फॉर अ गिवन पैरीमीटर, किसी भी पैरीमीटर के लिए, कोई भी पैरीमीटर के लिए सर्कल हैज़ अ मैक्सिमम एरिया। सर्कल क्या होता है, सर्कल के पास मैक्सिमम एरिया होता है। अब मैं आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पर, ठीक है। बहुत फेमस है और सर्फेस टेंशन को समझाने के लिए बहुत बढ़िया एक क्या है ये एक्सपेरिमेंट है। मान लेते हैं कोई भी आप लोगों के पास ये लिक्विड है, ये इसका सरफेस है, और आपने क्या किया, इसके अंदर इस साबुन का कोई भी पानी है झाग वाला, ठीक है। इसके अंदर क्या किया, एक धागे से, एक धागा ऐसे बंद करके पूरा क्लोज करके ऐसे करके क्या, उसको गांठ लगा के क्या कर दिया, इसके अंदर डाल दिया। अब तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, ये एक लेयर बन जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, इस लेयर को ना मैं तोड़ देता हूँ। कैसे तोड़ सकता हूँ, इस पर पिन मार दूंगा मैं, तो जो जो एक लेयर बनेगी वो इसके अंदर वो टूट जाएगी। तो जैसे मैं इसे पिन मारूंगा ना, ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, ये अपने आप ही सर्कुलर बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, सर्कुलर। अब ये सर्कुलर क्यों बना, क्यों बना, क्योंकि पैरीमीटर तो उतना ही था भाई, एक रेक्टेंगल बन जाता, स्क्वायर बन जाता, तो ये सर्कुलर ही क्यों बना, क्यों बना, क्योंकि किसी भी पैरीमीटर ये जो धागा है तो इतना ही ना, अभी बढ़ तो सकता नहीं, तो ये क्या करेगा, सर्कुलर ही क्यों बना, क्योंकि किसी भी गिवन पैरीमीटर के लिए सर्कल के पास सबसे बड़ा एरिया होता है, और इसके बाहर जो लिक्विड बचा हुआ है वो क्या करेगा, मिनिमम सरफेस एक्वायर करने की कोशिश करेगा, मिनिमम। और ये इसके बाहर जो ये एरिया है, लिक्विड जो है, ये मिनिमम सरफेस एरिया तभी होगा जब ये मैक्सिमम हो जाए। भाई देखो, ये माइनस कर रहे हैं ना इसमें से, ये पूरे का पूरा सरफेस था और इतना, इसमें से सबसे ज़्यादा माइनस होगा तभी तो ये मिनिमम बनेगा। तो इसलिए ये क्या बनता है, सर्कुलर बनता है। इसलिए जो धागा हो जाएगा कैसा बन जाएगा, सर्कुलर बन जाएगा। तो ये प्रूवन है कि कोई भी लिक्विड जो है वो हमेशा क्या करना चाहता है, मिनिमम सरफेस एरिया को गेन करना चाहता है, इसलिए उसके सरफेस पर क्या होता है, फ्री सरफेस पर एक सरफेस टेंशन क्रिएट हो जाता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस लगना स्टार्ट हो जाता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करें। अब देखो, मान लो बहुत सारे बंदे हैं किसी भी जगह पर खड़े हुए हैं, तो वो क्या करेंगे, मेरे बगल में भी एक और दूसरा है, अगर हमारे पास बहुत कम जगह है रहने के लिए, बहुत कम जगह है रहने के, तो हम पास पास होना स्टार्ट कर देंगे। मैं इसको खींचूंगा, ये मुझको खींचूंगा, जितना भी पॉसिबल होगा उतना पास पास रहना हम कोशिश करेंगे। तो ये टेंडेंसी है लिक्विड की, ये खुद एक प्रॉपर्टी है लिक्विड के फ्री स्पेस की, जो उसको सरफेस उसके सरफेस पे सरफेस टेंशन क्रिएट करा देता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये मॉलिक्यूल्स क्यों एक दूसरे को खींचने की कोशिश कर रहे हैं अपने तरफ, ठीक। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द सरफेस टेंशन। नाउ वी आर मूविंग टू द कोहेसिव फोर्सेस एंड अधेसिव फोर्सेस। अब कोहेसिव और अधेसिव फोर्सेस क्या होते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड द कोहेसिव फोर्सेस। यानी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल थोड़ी ये बोलते हैं, जब दो तरह के मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं, तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लग जाता है ड्यू टू देयर क्लोजनेस। लेकिन ये मॉलिक्यूल जो हैं पास आने चाहिए, इनकी एक लिमिट है कि ये कितने पास आने चाहिए, इनकी एक लिमिट है, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर रेंज। द मिनिमम डिस्टेंस approximately 10 to the power minus 9 meter up to which two molecules attract each other।
अगर दो मॉलिक्यूल्स इतने पास है कि उनके बीच का डिस्टेंस 10^-9 मीटर के पास है या उससे कम है, तब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करने, क्लोजनेस के कारण एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। अब ये अट्रैक्शन कोई ग्रेविटेशन फोर्स के कारण नहीं है, कूलम फोर्स के कारण नहीं है, या किसी की और चीज़ के कारण नहीं है, ये इनके क्लोजनेस के कारण है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं मॉलिक्यूल्स। अब अगर सेम तरह के मॉलिक्यूल्स इतने पास आ गए, कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग गए, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस। सेम तरह के, मान ले एक वाटर का मॉलिक्यूल है, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, ये क्या किया हमने, इनको ये पास में आएगा तो इनके बीच में फोर्स लगने लग जाएगा, जिसको बोलेंगे हम कोहेसिव फोर्सेस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। सेम सब्सटेंस, एक ही तरह के मॉलिक्यूल, पानी पानी, हनी हनी, ऑयल ऑयल, पेट्रोल पेट्रोल, मतलब एक ही तरह के हैं, एक वाटर ड्रॉप दूसरी वाटर ड्रॉप, ठीक है, चाय चाय, जो भी आप बोलना चाहें। दूसरा होता है एडहेसिव फोर्सेस। एडहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं, दो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्सेस। एडहेसिव फोर्सेस, अलग अलग मॉलिक्यूल, मान लो ये ग्लास है, अब यहाँ पर ये बना हुआ ग्लास का और ये पानी है, अब यहाँ पर जो है मॉलिक्यूल हैं किसके, ग्लास के, और यहाँ पर मॉलिक्यूल हैं वाटर के, तो ये एक दूसरे के क्लोज हैं, तो ये क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के क्लोज आ गए हैं, तो इनके बीच में एक फोर्स लगने लग जाएगा। किसको बोलेंगे, इतने पास आ गए एक दूसरे के तो इनके बीच में फोर्स लगने लग जाएगा, दो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स इनके बीच में जो फोर्स लगने लग जाएगा वो हो जाएगा आप लोग, उसको बोलेंगे एडहेसिव फोर्सेस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्सेस हमेशा अट्रैक्शन फोर्स है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस, दो अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस के बीच में जो फोर्स लगा उसको बोलेंगे एडहेसिव फोर्सेस। याद रखें ये फोर्सेस कभी भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करते, ऐसा नहीं होता कि ये बहुत दूर जाएंगे तो मतलब डिस्टेंस वो मतलब आर स्क्वायर की, उससे जैसा कि आप लोगों का ग्रेविटेशन फोर्स होता है ना, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वो इस रेशियो को, इस रिलेशन को हमेशा फॉलो करते करते उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, ये उसको फॉलो नहीं करते, ये लगभग 10^-9 के बाद लगना भी बंद हो जाते हैं, ख़त्म ही हो जाते हैं, इनका एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाता है, ये सिर्फ इसी रेंज से कम के उसमें लगते हैं। अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस इतना होगा या इससे कम होगा तो ये फोर्सेस लगेंगे, अदरवाइज ये फोर्सेस नहीं लगेंगे। अब देखो, अब कोई भी चीज़ भीगती कैसे है, तो भीगती भी है वो तब भीगती है जब वो क्या हो जाए, मान लो एक ग्लास वो लिया हमने, ग्लास स्लैब लिया, उस पर उसके ऊपर हमने पानी डाला, तो उस ग्लास स्लैब वो क्या हो जाएगा, भीग जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अब आप क्या करिए, ग्रीस लीजिए और उसके ऊपर, उस ग्लास स्लैब के ऊपर क्या करें, उसको ग्रीस को लगा दीजिए, अब उसके ऊपर पानी डालिए आप, तो वो ग्लास स्लैब अब नहीं भीगेगा। रीज़न क्या हुआ, पहले भीग रहा था अब नहीं भीग रहा था, अब क्यों नहीं भीगेगा, होता क्या है जब ग्लास स्लैब होता है, जो ग्लास स्लैब होगा और जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, ग्लास स्लैब और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एडहेसिव फोर्स लगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये ग्लास स्लैब है मान लो और ये कोई वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है मैं इसके ऊपर रखा, तो इनके बीच में क्या है, फोर्स लगेगा है, क्या बोलेंगे उसे, एडहेसिव फोर्स। दो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल है ना, एक ग्लास स्लैब एक वाटर, तो इनके बीच में दो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसे बोलेंगे हम एडहेसिव फोर्स। ये जो फोर्स होता है ग्लास स्लैब और वाटर के बीच में जो फोर्स लगेगा, वो आप लोगों का हमेशा क्या होगा, वाटर वाटर के बीच में जो मॉलिक्यूल्स लग रहे, वाटर वाटर के बीच में जो फोर्स, कोहेसिव फोर्सेस लग रहे होंगे, वाटर मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या था, कम था इस एडहेसिव फोर्स से, इसीलिए ये जो मॉलिक्यूल था, मान लो ये आप लोगों का ग्लास स्लैब है, इसके ऊपर जो वाटर ड्रॉप थी हमने रखी और इससे दूसरी वाटर ड्रॉप थी, तो इन दो वाटर ड्रॉप के बीच में जो फोर्स लग रहा था
ठीक है, इन दो वाटर ड्रॉप या मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा था जिसको बोल रहे हैं कोहेसिव फोर्स, और एक जो ग्लास स्लैब और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है वह है एडहेसिव फोर्स। ये एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो कोहेसिव फोर्स लग रहा है उससे, तो इसलिए अब जो फोर्स होगा उसका तो इफेक्ट देखने को मिलेगा आपको। इसलिए ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये इसको छोड़कर इसके साथ चिपक जाता है ग्लास स्लैब के साथ, तो वो क्या हो गया उसके साथ चिपक गया, तो उसने क्या कर दिया ग्लास स्लैब को भिगा दिया क्योंकि पानी रह गया वहाँ पर। अब मैं अगर इस ये कंटेनर है ये ग्लास का, अगर मैं इसको ऐसे खाली करना चाहूँगा तो इसमें कुछ पानी भी रह जाएगा। आप ग्लास लीजिए, उसमें क्या कीजिए आप ग्लास लीजिए उसमें क्या कीजिए पानी कम निकाल दीजिए तो फिर भी भीगा रहता है। तो किस लिए? क्योंकि ग्लास स्लैब और वाटर के बीच का जो फोर्स था वो ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच का। अब ग्रीस के केस में क्या हुआ, ग्रीस के केस में क्या हुआ, जो वाटर मॉलिक्यूल है और जो आपका ऑयल है, अब कॉन्टैक्ट में वाटर मॉलिक्यूल और ऑयल है यानी ग्रीस है, ग्लास नहीं है। तो वाटर मॉलिक्यूल और ऑयल के बीच का जो एडहेसिव फोर्स है वो कम होता है वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच के कोहेसिव फोर्स से, तो इसलिए पानी सीधा चला जाता है और उसके साथ नहीं चिपकता, ग्रीस के साथ नहीं चिपकता। तो ये रीज़न होता है कोहेसिव फोर्सेस एंड एडहेसिव फोर्सेस की कोई भी चीज़ भीगती है और क्यों नहीं भीगती है। अब ये इनके बारे में डिस्कस क्यों करा, क्योंकि ये सरफेस टेंशन में को समझने में हमारी बहुत हेल्प करते हैं, ये होते क्यों है सरफेस टेंशन। तो इन दोनों के बीच जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में एक फोर्सेस लग रहा होता है जिनको बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस। तो इस कोहेसिव फोर्सेस के कारण ही आप लोगों का सरफेस टेंशन बनता है, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर आई होगी। और ये सरफेस टेंशन का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, एफ अपॉन एल, ठीक है, फोर्स अप्लाइंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ एनी लिक्विड इज नोन एज द सरफेस टेंशन। तो ये आप लोगों का होता है सरफेस टेंशन। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, बहुत बड़ी वीडियो हो गई लेकिन फिर भी मेरे को समझाना था। अगर आप लोगों के ये समझ में आ जाएगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर ये समझ में आएगा तो आगे की चीज़ हम इजीली समझ जाएंगे। और आई होप कि जो आगे हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला आगे की चीज़ों को समझने में, अगर आप इस चीज़ को बेटर समझ लेंगे। तो इसके बाद का हम जो भी लेक्चर्स होंगे, जो भी टॉपिक्स होंगे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो टाटा बाय बाय एंड सी यू देन।